Hi guys, so today's recipe is a thukka or a thuppa or a thuppa, jo bhi aap keh rahe, but it's basically like this super flavorful and very nourishing, very wholesome noodle soup bowl. Thukka is this one meal which has like a lot of veggies, it has carbs, you can add in your choice of proteins if you want to, you know. मैं इसे बनाऊंगी मैगी के साथ. हम बना रहे हैं मैगी थुपका. सो फ्लेवरफुल, लाइक यू हैव टू गिव इट अ ट्राई. लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं बनाऊंगी क्विक वेजिटेबल स्टॉक, जिसके लिए एक प्रेशर कुकर में मैं लूंगी दो अनियन, अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर, सम कैबेज रफली चॉप्ड, एंड उसमें डालेंगे हम पानी. अराउंड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर डाल रही हूँ मैं. सॉल्ट टू टेस्ट. और फिर इसे हम प्रेशर कुक करेंगे करीब 25 मिनट के लिए ऑन मीडियम टू लो फ्लेम, अंटिल इट लुक्स लाइक दिस. तो ये बहुत ही एक फ्लेवरफुल ब्रॉथ है हमारे पास. एंड देन डिस्कार्ड द वेजिटेबल्स एंड कीप ओनली द स्टॉक. सो गाइस, दिस इज वेयर आई एम मेकिंग अ वेजिटेबल ब्रॉथ. इफ यू वांट, यू कैन मेक अ चिकन ब्रॉथ और अ मशरूम ब्रॉथ. सो एनी काइंड ऑफ फ्लेवरफुल लिक्विड इज व्हाट विल काइंड ऑफ टेक दिस डिश टू अनदर लेवल. मूविंग ऑन, इन अ मिक्सर ब्लेंडर टेक 2 अनियन एंड उसमें ऐड करेंगे अराउंड 2 to 3 टोमेटोज, एंड देन सम ग्रीन चिलीज, सम गार्लिक एंड अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर एंड ऑफ कोर्स धनिया. और इन सारी चीजों को ब्लेंड करेंगे टिल इट लुक्स लाइक दिस, टिल इट फॉर्म्स लाइक अ स्मूथ पेस्ट. नाउ हीट सम वेजिटेबल ऑयल इन अ कढ़ाई एंड इसमें हमारा टमेटो एंड अनियन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हमें भूनना है जब तक ये पेस्ट पक नहीं जाता, फॉर अराउंड 3 to 5 मिनट्स. एंड आफ्टर दैट इसमें हम डालेंगे मैजिक इन्ग्रीडियंट जो कि है मैगी मसाला. आई एम एडिंग अराउंड 5 मैगी मसालाज इन दिस रेसिपी बिकॉज आई एम मेकिंग अ रेसिपी दैट सर्व 6 पीपल. इसमें अब ऐड करेंगे हम रेड चिली सॉस एंड सम सोया सॉस. आप चाहे तो रेड चिली पेस्ट भी यूज कर सकते हैं. गिव ऑल ऑफ दिस अ गुड मिक्स, कुक दिस जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऐड सम हल्दी पाउडर इन टू इट फॉर अ नाइस कलर. कीप स्टोरिंग दिस. और फिर इसमें हम ऐड करेंगे वेजीज, सो यू कैन गेट एज क्रिएटिव एज यू वॉन्ट टू. मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च, गाजर एंड कैबेज, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड देन गिव इट अ मिक्स. यू कैन ऐड इन मशरूम्स, चिकन, वट एवर यू वॉन्ट टू, जस्ट गो अहेड एंड ऐड दैट. गिव दिस अ स्लाइट मिक्स टू नॉट ओवर कुक द वेजिटेबल्स, क्योंकि ये बाद में भी पकेगा. एंड नाउ इसमें हम ऐड करेंगे अपना वेजिटेबल स्टॉक. अगेन यू कैन ऐड इन मशरूम स्टॉक और यू कैन ऐड इन चिकन स्टॉक. Give all of this a good mix till it comes to a boil. Adjust salt according to taste and a little bit of lemon juice and your thukka soup is ready. Yahan maine maggi noodles ko boil kar liya hai. So again 5 packets of maggi have boiled and to serve maggi noodles along with the hot thukka soup. Guys, sprinkle some coriander, serve it with a wedge of lemon and that is it. Your delicious thukka maggi noodles are ready to serve. So guys, that was it. So even I am one of those people जिसको मैगी के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है. मैगी को मैगी की जैसे ही खाना पसंद है. लेकिन when I did this, I realized that it just took maggi to another level. It's a very very delicious way of eating maggi, and I highly recommend you guys to give this a try for your next meal. You guys try this recipe, and I'll see you again with another great recipe. Till then, happy cooking and stay safe.